दोस्तों, आपका बैंकिंग गाइड चैनल में स्वागत है और मैं आपका दोस्त संजय कुमार तिवारी। आज हम बात करेंगे ट्रेड्स पे। ट्रेड्स क्या है, किसके लिए है, इसका फुल फॉर्म क्या है, बहुत लोगों को तो इसका फुल फॉर्म भी नहीं मालूम होगा, तो ये सारी जानकारी विस्तार से हम देखेंगे आगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले जो दोस्त नए हो चैनल पर, उनसे मेरा गुजारिश है कि कृपया आप सब्सक्राइब जरूर कर लो, और जो पुराने भी हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको बैंकिंग संबंधित हर तरह की जानकारी इस चैनल पर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले देखिए कि MSME जो है, MSME सेक्टर का क्या महत्व है हमारे देश के लिए, इकोनॉमी के लिए, वो हम देखते हैं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एम्ब्रेस एन इमेंस कंट्रीब्यूशन टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। द सिग्निफिकेंस ऑफ MSME इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज विटनेस्ड ग्लोबली, वेयर इन दोज इकोनॉमीज विथ रोबस्ट MSME सेगमेंट आर थ्राइविंग व्हेन कंपेयर्ड टू दोज हु डोंट। इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग नेशन इज हाईली रिलायंट ऑन MSME फॉर इट्स सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। So MSME is considered as backbone of Indian economy. So friends, as you can see, MSME को भारत देश के रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। अब challenges क्या है इस sector के लिए, तो सबसे बड़ा challenge है पैसे का। समय से पैसा उपलब्ध हो तभी MSME आगे काम कर सकता है और काम को बढ़ा सकता है। So this is a challenge, is a major obstacle to survival of this sector. In the case of MSMEs, there is huge problem of liquidity crunch and it has worsened in the COVID-19. They supply an innumerable number of components, intermediate goods and services at competitive rates to large original equipment manufacturers, OEM and industry majors. तो बड़े बड़े companies को MSMEs जो है components, intermediate goods और services supply करते हैं। Being a supplier to large firms, the majority of MSMEs are dependent on the success of large firms as well as credit payments from these firms. तो अगर ये बड़े फर्म सक्सेस होंगे तो MSME भी सक्सेस होगा, एक तो ये, और दूसरा कि ये बड़े फर्म समय से अपने जो क्रेडिट पे माल लेते हैं, क्रेडिट पे जो माल खरीदते हैं MSME से, उसको चुकाएंगे, तभी MSMEs का भी लिक्विडिटी पोजिशन ठीक रहेगा। Yet delayed payments for their goods and services result in large portions of working capital being blocked. ये सबसे बड़ी समस्या है कि जो लार्ज कॉरपोरेट्स हैं वो MSMEs को समय से पेमेंट नहीं देते हैं। As per a recent report, Unlocking Credit for India's Job Creators, brought out by Global Alliance of Mass Entrepreneurship, the total outstanding payment to be made by buyers to registered MSMEs in India could be about 15 trillion rupees. 15 पे 12 शून्य आप लगाएंगे, मतलब 15 पे 5 शून्य लगाएंगे तो लाख, और साथ लगाएंगे तो करोड़, मतलब 15 लाख करोड़ का बकाया MSMEs का बड़े कॉरपोरेट्स पे है। Industry associations and chambers of commerce must get their members to embrace a culture of payments to the MSMEs on time. तो ये एक सुझाव दिया गया है कि industry association और chamber of commerce को जो है members को कहना चाहिए कि MSMEs को समय से payment करें। लेकिन इसका permanent solution क्या हो सकता है, तो इस पर चलिए देखिए। ये trades का evolution का एक तो समस्या ये है, देखिए समस्या क्या है कि MSMEs बड़े कॉरपोरेट्स को माल सप्लाई करते हैं और उसका समय से उनको पेमेंट नहीं मिलता है। तो इस समस्या का निदान निकाला गया ट्रेड्स के जरिए। अब देखते हैं कैसे। तो द कॉन्सेप्ट फॉर सेटिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिल फैक्टरिंग एक्सचेंज, अब देखिए इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक बिल फैक्टरिंग एक्सचेंज का सुझाव दिया गया। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक बिल फैक्टरिंग एक्सचेंज का सुझाव दिया गया किसके द्वारा? तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स कमिटी इन 2008 में, और उनका रिपोर्ट का नाम था 100 स्मॉल स्टेप्स। उनके रिपोर्ट के आधार पर NSE और SIDBI दोनों साथ आकर उन्होंने एक ई डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया, जिस प्लेटफॉर्म का नाम था एंट्रीज। यहाँ N स्टैंड्स फॉर NSE, ये जो N है
और दिस एस लास्ट वाला एस स्टैंड्स फॉर सिडबी, और बीच का जो ट्री है दिस स्टैंड्स फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स इंजन फॉर ई डिस्काउंटिंग। तो ये प्लेटफॉर्म शुरू किया गया सिडबी और एनएससी के द्वारा। ये रिवर्स फैक्टरिंग का पर बेस्ड प्लेटफॉर्म था। रिवर्स फैक्टरिंग क्या होता है हम आगे देखेंगे। एंड द प्लेटफॉर्म वॉज बेस्ड ऑन मैक्सिकन मॉडल नेशनल फाइनेंशियर्स नेफिन फॉर बिडिंग ऑफ एमएसएमई रिसीवेबल्स। लेकिन शायद इससे काम नहीं चला होगा, तो फाइनली आरबीआई ने जो है एमएसएमई फैक्टरिंग ट्रेड रिसीवेबल्स एक्सचेंज नाम का एक कॉन्सेप्ट पेपर मार्च 2014 में ले आई, और 3 दिसंबर 2014 मतलब लगभग 9 महीने बाद ट्रेड रिसीवेबल्स ई डिस्काउंटिंग सिस्टम का गाइडलाइंस भी आरबीआई ने जारी कर दिया। और इसके ठीक एक साल बाद मतलब 2 दिसंबर 2015 को आरबीआई ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो है इन तीन कंपनीज को अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2017 इजाजत दे दी। पहली कंपनी थी रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड आरएक्सआईएल, ये सिडबी और एनएससी का जॉइंट वेंचर था। दूसरी कंपनी थी ए ट्रेड्स लिमिटेड, ब्रांड नेम इसका इनवॉइस मार्ट है, जो एक्सिस बैंक और एम जंक्शन सर्विसेज के बीच का है, जॉइंट वेंचर है। और तीसरा था माइंड सॉल्यूशंस M1 एक्सचेंज प्रोमोटर इंडिया मार्ट अमेजन सिडबी मेफील्ड एंड बीनेक्स, और इस प्लेटफॉर्म का नाम रखा गया ट्रेड्स। तो इस तरह से दोस्तों ट्रेड्स का जन्म हुआ, और इस ट्रेड्स के लिए तीन प्लेटफॉर्म जो है अप्रूव किए गए आरबीआई के द्वारा, जो इस जिन पे आप जाके रजिस्टर करके और ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि ट्रेड्स क्या है एग्जैक्टली। तो स्कीम फॉर सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर फैसिलिटेटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ एमएसएमईज फ्रॉम कॉरपोरेट एंड अदर बायर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड पीएसयूज थ्रू मल्टीपल फाइनेंसियर्स इज नोन एज ट्रेड्स। ट्रेड्स इज अ आरबीआई रेगुलेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग रिसीवेबल्स ऑन अ बिडिंग मॉडल। तो ये आरबीआई से रेगुलेटेड है, और यहाँ पे सेलिंग और बाइंग किसका होता है, रिसीवेबल्स का। किसका रिसीवेबल्स, एमएसएमईज का जो रिसीवेबल्स होता है कॉरपोरेट से, जो उनको पैसे मिलने वाले होते हैं वो समय से पहले मिल जाए, जो ड्यू डेट है उससे पहले मिल जाए, उसकी व्यवस्था इसके तहत की गई है। और उसके लिए कौन देगा पैसे समय से पहले, तो उसके लिए बीच में मल्टीपल फाइनेंसियर्स की व्यवस्था की गई है, जिनको हम फैक्टर्स भी कहते हैं। तो ट्रेड्स विल फैसिलिटेट डिस्काउंटिंग ऑफ बोथ इनवॉइसेस एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, दोनों की डिस्काउंटिंग होगी। ये रिसीवेबल्स फैक्टरिंग भी होगा यहाँ पे, और रिवर्स फैक्टरिंग भी होगा। दोनों देखेंगे दोस्तों क्या है। रिवर्स फैक्टरिंग एक बार पहले भी आ चुका है। देन ट्रांजेक्शन प्रोसेस्ड अंडर ट्रेड्स विल बी विदाउट रिकोर्स टू एमएसएमई, मतलब पैसा तो एमएसएमई को मिलेगा ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे, जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसका लाभार्थी तो एमएसएमई जरूर है, लेकिन विदाउट रिकोर्स है, मतलब इन केस ऑफ डिफॉल्ट जो फाइनेंसियर है वो एमएसएमई के पास नहीं जा सकता है पैसे वापस लेने के लिए, उसको कॉरपोरेट से पैसे वसूलने होंगे। ये मॉडल पूरा समझेंगे तब आपको और समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे तीन पार्टिसिपेंट्स कौन कौन हो गए। तो अब तक का जो हमने डिस्कशन किया उससे क्लियर हो गया होगा कि पहला पार्टिसिपेंट एमएसएमई सप्लायर है, जो सेलर भी कहा जाता है, जो गुड्स और सर्विसेज बायर्स को देता है। बायर्स कौन कौन है, कॉरपोरेट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पीएसयू, अदर्स। फाइनेंशियर्स कैन बी बैंक्स एंड एनबीएफसी। सो ये तीन लोगों का, 1 MSME, 2 corporate and 3 बैंक्स फाइनेंशियर्स। तो ये तीन लोग हैं मेजर पार्टिसिपेंट्स इस प्लेटफॉर्म पे। तो सेलर्स कौन हो गए, एमएसएमई, जो एज पर एमएसएमई का जो डेफिनेशन अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट ने दिया वो। फाइनेंशियर्स कौन हो गए, बैंक्स, एनबीएफसी, फैक्टर्स। और बायर्स कौन हुए, तो कॉरपोरेट्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स।
अभी एक और चीज इसमें बायर्स में ध्यान दीजिएगा कि ऑन नवंबर 2, 2018 डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इशूड नोटिफिकेशन स्टेटिंग दैट ऑल कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट एंड हैविंग टर्नओवर ऑफ मोर देन INR 500 करोड़ एंड ऑल CPSEs आर रिक्वायर्ड टू ऑन बोर्ड अ ट्रेड्स प्लेटफॉर्म दस मेकिंग ट्रेड्स रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी फॉर सच कंपनीज। तो ये भी एक 2018 में एक नोटिफिकेशन था जिसमें गवर्नमेंट ने ये कहा था। अब देखते हैं कि फैक्टरिंग काम कैसे करता है। तो सबसे पहले सेलर जो है इनवॉइस को अपलोड करता है इस प्लेटफॉर्म पे, जो भी ट्रेड्स के तीन प्लेटफॉर्म हमने बात की, किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे वो अपलोड करेगा। वहाँ से बायर जो है फिर उसको इनवॉइस को एक्सेप्ट करेगा जो कॉरपोरेट है। तो ये MSME होगा, सेलर कौन है, MSME, जिसने बायर मतलब कॉरपोरेट को माल बेचा है। बायर कौन है, कॉरपोरेट। तो कॉरपोरेट जो है एक्सेप्ट करेगा, फाइनेंशियर कैन बी बैंक। तो ये बैंक जो है फिर इसको फाइनेंस करेगा, बिड करेगा, वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएगा कि भाई इस रेट पर हम इतना पैसा दे सकते हैं। और अगर सबसे कम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस फाइनेंसर का होगा उसको सेलर एक्सेप्ट कर लेगा। और उस तरह से फिर क्या होगा कि फाइनेंसर जो है पैसा डिसबर्स कर देगा और सेलर को 24 घंटे के अंदर पैसा उसके खाते में मिल जाएगा। यहाँ पे सेलर का रोल पूरा, सेलर से अब वापस जो मैंने कहा था विदाउट रिकोर्स है, मतलब सेलर के पास वापस फाइनेंसर पैसे के लिए नहीं जाएगा। पैसे कौन देगा, तो बायर पेज फाइनेंसियर ऑन ड्यू डेट। तो फाइनेंसर को पैसे वसूलने हैं बायर से, मतलब किससे, कॉरपोरेट से, ठीक है। तो फैक्टरिंग ट्रांजैक्शन बिगिंस व्हेन सेलर अपलोड्स एन इनवॉइस ऑन द प्लेटफॉर्म एंड क्रिएट्स अ फैक्टरिंग यूनिट। फैक्टरिंग यूनिट क्या है, फैक्टरिंग यूनिट कंटेन्स नेसेसरी डिटेल्स ऑफ द इनवॉइस इन डिजिटल फॉर्मेट एंड मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द बायर बिफोर इट इज सेंट टू फाइनेंसर्स फॉर बिडिंग। The seller then chooses at the most suitable bid and receives funds from financier within 24 hours. Then on due date of payment, the buyer pays the outstanding amount to the financier. In factoring, credit is extended to the supplier based on buyer's credit worthiness. This is most important. कि MSME को पैसे मिल रहे हैं लेकिन on whose credit worthiness? On the credit worthiness of the corporate, big buyer. Which means supplier can enjoy low cost of funds which are extended to large corporate buyers because of their credit rating. So this is how it works. Let us take one example. Supplier supplies goods and services outside trades. Then supplier logs in. Ab trade platform pe login kiya and then uploads the invoice. Maan lo 1 lakh ka invoice hai. Transport document, insurance policy, packing list etc. Ye sab invoice pe upload kar diya. Then trades validates invoice, converts to factoring unit and publish for acceptance. तो trades platform क्या करेगा, उसको validate करेगा कि invoice सही है कि नहीं, convert करेगा factoring unit में और उसको acceptance के लिए publish करेगा। अब buyer जो है login करेगा और वो login करके उस invoice को 1 lakh के invoice को accept करेगा कि हाँ ये invoice मैं accept करता हूँ, मतलब मैं pay करूँगा। Then trades क्या करेगा, generate करेगा settlement fine to debit the financier and pay supplier 89039 net of upfront interest of। तो क्या होगा कि जो financier है वो interest मान लो 961 है, तो वो interest काट के इतना पैसा दे देगा। तो supplier accepts the bid। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि 1 lakh का था लेकिन उसने 10% जो है margin भी रखा है, मतलब 90,000 ही जो है financier finance कर रहा है, उस 90,000 में भी 961 रुपये काट लिया है और उसने 10% के हिसाब से लिया है इंटरेस्ट। तो 10% के हिसाब से 961 रुपये इंटरेस्ट काट के 89039 जो है सप्लायर को दे दिया। फाइनेंशियल बिड्स अगेंस्ट द फैक्टरिंग यूनिट, ट्रेड्स प्लेट पब्लिश द फैक्टरिंग यूनिट्स फॉर बिलिंग विथ रेटिंग इन्फॉर्मेशन। और इस तरह से जो है फाइनली ट्रेड्स ऑन ड्यू डेट जनरेट्स द फाइनल सेटलमेंट फाइल एंड ट्रेड्स डेबिट्स द बायर्स बैंक अकाउंट एंड क्रेडिट फाइनेंशियर अकाउंट। तो फाइनली जो सेटलमेंट होता है वो बायर से पैसा लेके फाइनेंसर को दे दिया जाता है, मतलब जितने दिन बायर पैसा नहीं देता उतने दिन के लिए फाइनेंशियर जो है सप्लायर को पैसा दे देता है। और इस तरह से सप्लायर को भी समय से पैसा मिल जाता है और बायर को भी समय मिल जाता है। इसमें ब्याज सप्लायर दे रहा है और लेकिन सप्लायर को ब्याज जो है वो
जो बायर है उसके क्रेडिट वर्दनेस के हिसाब से कम ब्याज पे पैसे मिल जा रहे हैं, तो इस तरह से विन विन सिचुएशन सभी के लिए हो जाता है। रिवर्स फैक्टरिंग में क्या होता है कि जो बायर है, जो कॉरपोरेट है, वो इनवॉइस अपलोड करता है, और वो इसलिए अपलोड करता है क्योंकि कभी कभी बायर को जो है इनवॉइस पे जो ड्यू डेट है उससे भी एक्सटेंडेड पीरियड अगर उसको चाहिए तो कई बार वही इनवॉइस अपलोड करता है, और फाइनेंशियर जो है बिड करता है इनवॉइस के लिए, बायर जो है एक्सेप्ट कर लेता है बेस्ट बिड। अब यहाँ पे बायर ही एक्सेप्ट कर रहा है, देन फाइनेंशियर पैसा तब भी सेलर को ही देता है, और सेलर को 24 घंटे के अंदर फंड मिल जाता है, और बायर जो है फाइनेंशियर को ड्यू डेट पे पैसे दे देता है, फाइनेंशियर रिसीव द आउटस्टैंडिंग। तो सिर्फ यहाँ पे रोल ये रिवर्स हो जाता है कि जो आप फैक्टरिंग में देखते हैं कि सेलर इनवॉइस को अपलोड करता है, रिवर्स फैक्टरिंग में बायर इनवॉइस को अपलोड करता है। सो रिवर्स फैक्टरिंग ट्रांजैक्शन बिगिंस व्हेन बायर अपलोड्स एन इनवॉइस ऑन द प्लेटफॉर्म बिहाफ ऑफ सेलर एंड क्रिएट्स फैक्टरिंग यूनिट। अ फैक्टरिंग यूनिट कंटेन्स नेसेसरी डिटेल्स ऑफ इनवॉइस इन डिजिटल फॉर्मेट, देन द बायर चूजेज द मोस्ट सुटेबल बिड, सेलर रिसीव्स फंड्स एंड ऑन ड्यू डेट पेमेंट द बायर पेज द आउटस्टैंडिंग अमाउंट टू द फाइनेंशियर। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैक्टरिंग इज नॉट अ लोन एंड डिफर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल बैंक क्रेडिट। इट इज सेल ऑफ एन एसेट इनवॉइस इन दिस केस एंड डज नॉट क्रिएट लायबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट। तो जिसने फैक्टरिंग के थ्रू पैसा मिला सेलर को, उसके बैलेंस शीट पे कोई लायबिलिटी नहीं क्रिएट हुआ, उसका तो जो रिसीवेबल्स था वो कैश में कन्वर्ट हो गया। अनलाइक बैंक क्रेडिट विच इन्वॉल्व टू पार्टीज, फैक्टरिंग इन्वॉल्व थ्री पार्टीज, द सेलर, द बायर, द फैक्टर। द क्रेडिट डिसीजन इज बेस्ड ऑन क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ बायर इंस्टेड ऑफ एमएसएमई सेलर। तो ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके। तो बिल डिस्काउंटिंग और बिजनेस लोन का फर्क यही है कि ये बिल डिस्काउंटिंग कोलेट्रल फ्री है, यहाँ पे कोलेट्रल चाहिए, अगर वही एमएसएमई को पैसे चाहिए तो कोलेट्रल लाना पड़ेगा, बिजनेस लोन लेने जाएगा। यहाँ प्रोसेसिंग क्विक है, 24 घंटे में तो एमएसएमई को पैसे मिल जाता है, यहाँ लंबा प्रोसेसिंग पीरियड है। देन अवेल्ड फॉर शॉर्ट टर्म, अवेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, यहाँ पे लॉन्ग टर्म भी बिजनेस लोन लिया जा सकता है। डिजिटल प्रोसेस है पूरा, यहाँ इट इज़ नॉट जनरली अ डिजिटल प्रोसेस, हालांकि अभी बहुत सारे बैंक्स इसमें भी डिजिटल प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं। हैसल फ्री डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, लेंदी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्ट्रिंजेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नो इम्पैक्ट ऑन बिजनेस बैलेंस शीट, क्योंकि यहाँ पे लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगा बिल डिस्काउंटिंग में, बट इट इम्पैक्ट्स बिजनेस बैलेंस शीट एंड इज कंसिडर्ड एज डेट, तो बिजनेस के लिए कर्ज के रूप में हो जाएगा। सो फाइनली फ्रेंड्स, लेट अस रिकैप्चुलेट। एंटिटी क्रिएशन होगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑनबोर्डिंग करना पड़ेगा। तो एंटिटी क्रिएशन रजिस्टर ऑन एनी ऑफ द थ्री ट्रेड्स ऑपरेटिंग पोर्टल्स एंड एग्जीक्यूट मास्टर एग्रीमेंट। Then verification, trades operator undertakes verification and due diligence. Then onboarding fee देना होगा, तब जाकर onboarding होगा। Then prerequisite factoring unit के लिए establish buyer seller relationship and financier defines limit on the buyer. Normally क्या होता है कि financier जो है buyer पे limit, क्योंकि buyer के ही credit worthiness पे पैसे देता है, तो normally buyer पे limit fix कर देता है। For example Tata Steel है तो उसमें 25 करोड़ मान लो fix कर दिया, तो 25 करोड़ तक के टाटा के इनवॉइस जो भी होंगे वो बैंक जो है वो बिड करेगा। तो फाइनेंशियल डिफाइंस लिमिट ऑन बायर, देन अपलोड ऑफ इनवॉइस, सेलर और बायर दोनों में से कोई भी, अगर फैक्टरिंग होगा तो सेलर, अगर रिवर्स फैक्टरिंग होगा तो बायर विल अपलोड द इनवॉइस। देन एक्सेप्टेंस, जो बायर है वो बिल को एक्सेप्ट करेगा। देन ऑप्शन, फाइनेंशियर्स विद डिफाइंड लिमिट्स ऑन बायर्स बिड ऑन इनवॉइसेस, then bid is accepted, best bid, and then obligation, trades operator generates leg one obligation, that is financier to seller. ये पहला leg जो है create होता है, तो leg one is debit financier and credit seller, register a few with SARSAI, then leg two on due date, debit buyer and credit to financier, satisfaction of a few from सरसई, तो सरसई में जो रिफ्यू था फैक्टरिंग यूनिट था उसका सेटिस्फैक्शन यहाँ हो जाएगा। एंड लेग थ्री है कि अनफाइनेंस्ड या फेल्ड जो है वो लेग थ्री सेटल्ड बिटवीन बायर एंड सेलर डायरेक्टली। तो ये है पूरा। इसमें बेनिफिट्स किसको क्या है, सबसे बड़ा बेनिफिट
कि जो एमएसएमई के लिए चैलेंज था पैसे का, लिक्विडिटी का, यहाँ पे टाइमली रिसीट ऑफ फंड्स हेल्प्स इन बिजनेस ग्रोथ ड्यू टू इम्प्रूव लिक्विडिटी, अल्टरनेट एफिशिएंट एंड विदाउट रिकोर्स फंडिंग मेथड, डेट फ्री एंड कोलेट्रल फ्री वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, देन बेस्ट डिस्काउंट रेट ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ मल्टीपल फाइनेंशियर एंड ऑल्सो बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन बायर्स क्रेडिट प्रोफाइल, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड, तो फायदा ही फायदा एमएसएमई को आप देख सकते हैं। अब बायर को देखते हैं तो बायर का जो है एमएसएमईडी एक्ट के साथ कंप्लायंस हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा एमएसएमईज के लिए एमएसएमई के प्रोडक्ट प्रोटेक्शन के लिए एमएसएमईडी एक्ट बना है, तो वहाँ उसको प्रोटेक्शन कंप्लायंस हो जाता है बायर का। देन कॉरपोरेट सेव ऑन प्रोक्योरमेंट कॉस्ट एज द बेनिफिट बाई अर्निंग अ कैश डिस्काउंट ऑन फ्रॉम वेंडर्स, क्योंकि एमएसएमईज को सस्ते दर पे फाइनेंस मिल जाता है, तो वो जो फायदा है वो अपने बायर को भी वो पास ऑन करते हैं, तो वेंडर तो कॉरपोरेट्स को भी सस्ते दर पे उनको माल मिल जाता है, सर्विसेज मिल जाती हैं, एफिशिएंट कैश फ्लो मैनेजमेंट, और इसके अलावा कंटिन्यूअल एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रोसेस लीड्स टू बेटर रिसीवेबल साइकल्स एंड फाइनली बेटर रिलेशनशिप बिटवीन। तो सबसे बड़ा फायदा कि जब सप्लायर और बायर में अच्छा रिलेशनशिप होगा तो दोनों थ्राइव करेंगे, दोनों आगे बढ़ेंगे। और तीसरा फाइनेंशियर के लिए फायदा कि उनका प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट बहुत एफिशिएंटली कम समय में पूरा हो सकता है। देन एक्सेस टू वाइडर मार्केट, विंडो टू न्यू कॉरपोरेट रिलेशनशिप्स, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कॉरपोरेट जो है उनको उन प्लेटफॉर्म पर आसानी से मिल जाते हैं। देन रिड्यूस्ड ऑपरेशनल कॉस्ट, क्योंकि इसमें पूरा ऑनलाइन सिस्टम है तो ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत घट जाता है फाइनेंशियर के लिए। प्लस अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, कॉरपोरेट्स के बिहेवियर से उस प्लेटफॉर्म पे कॉरपोरेट्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं उससे काफ़ी अर्ली वार्निंग सिग्नल्स जो है वो फाइनेंसर को मिल सकते हैं। हो सकता है फाइनेंसर ने उस कॉरपोरेट को और भी कोई एक्सपोजर लिया हो, तो वहाँ भी उसको अर्ली वार्निंग सिग्नल के रूप में काम करेगा, जैसे डिले और डिफॉल्ट इन ऑनरिंग ऑफ बिल्स ऑन ड्यू डेट, डाउन रेटिंग ऑफ कॉरपोरेट, वॉल्यूम ऑफ बिल्स ट्रांसफर थ्रू द प्लेटफॉर्म, इंटरेस्ट रेट्स ऑफर्ड बाय लेंडर्स। अब कोई लेंडर बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे किसी कॉरपोरेट के जगह पे, तो इसका मतलब उस कॉरपोरेट का इज्जत अभी मार्केट में बहुत अच्छा है। बिडिंग पैटर्न, तो बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें, और सबसे बड़ा बेनिफिट कि ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर लीगली बाइंडिंग, सो फाइनेंशियर के लिए सबसे बड़ा फायदा है प्लेटफॉर्म खुद जो है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 से गवर्न होता है। देन मास्टर एग्रीमेंट, जैसे ही कोई रजिस्टर करता है प्लेटफॉर्म पे तो उसको मास्टर एग्रीमेंट साइन करना होता है सारे ट्रांजेक्शन्स के लिए। देन ऑल डॉक्यूमेंट्स आर डिजिटली साइंड, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से गवर्न होता है। सप्लायर टू डिजिटली साइन ऑफ डीड ऑफ असाइनमेंट, ट्रेड्स ऑपरेटर सेंड्स नोटिस ऑफ असाइनमेंट टू बायर पर ऑथोराइजेशन फ्रॉम सप्लायर फाइनेंसर, दिस स्टेप्स मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द फैक्टरिंग एक्ट 2011। तो ये तमाम जो है डिफरेंट एक्ट्स से गवर्न होता है सारा कुछ ट्रांजेक्शन्स। और दोस्तों लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर हम वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन देखें तो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर FY 2022 में लगभग डबल हो गया है पिछले साल से अपेक्षा। 34,362 करोड़ का ट्रांजेक्शन था जो कि 2021 में 17,080 करोड़ था, एंड अगर उसके पहले साल देखें 2020 में तो 11,165 करोड़ था, तो लगभग तीन गुना हो गया 2022 आते आते। इसका मतलब धीरे धीरे, जैसा कि मैंने बताया, सभी को फायदा है, ये विन विन सभी के लिए है, तो इससे प्लेटफॉर्म पर बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एंड सिंस इंसेप्शन अगर हम देखें 2017 में प्लेटफॉर्म शुरू किया गया था तो 69,277.93 करोड़ का बिजनेस हुआ है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट ट्रेड्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस भेजिए, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।